आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के स्तर की, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल बहुत खराब स्तर पर पहुंचा है। दरअसल सुबह 6 बजे का आंकड़ा रिकॉर्ड जो हुआ है वो खतरनाक स्तर पर है। आज दिल्ली का AQI 339 रिकॉर्ड किया गया है। बात अगर नोएडा की हम करें तो यहाँ पर AQI 313 रिकॉर्ड किया गया, यानी कि कमोवेश आंकड़े बड़े हैं और खतरा भी बड़ा है। जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, गुरुग्राम का AQI आपके सामने होगा, उस पर हम बात करेंगे किस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में 313 रिकॉर्ड हुआ, गुरुग्राम में ये 392 रिकॉर्ड हुआ, 392 रिकॉर्ड किया गया। कह सकते हैं आप कि गुरुग्राम आज दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली NCR के लोग अब ठंड से परेशान हैं। आज सुबह की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही इस समय हम दिल्ली के विजय चौक इलाके में मौजूद हैं और कोहरे की अगर हम आपको स्थिति बताएं तो इस समय आप देख सकते हैं कि कोहरा इतना ज़्यादा घना नहीं है। हालाँकि हवा जो है वो थोड़ी तेज़ चल रही है, इसलिए मौसम विभाग ने भी जो है ये एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने कान और मुंह को ध्यान से ढकना है। साथ ही प्रदूषण का जो स्तर है वो भी अब एक बार फिर से दिल्ली NCR में बढ़ने लगा है। अभी के प्रदूषण स्तर की अगर हम बात करें तो इस समय सरकारी एप्लीकेशन सफर के मुताबिक दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो 339 है, जो कि बेहद ही खराब कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली वासियों को अभी दुगनी मार झेलनी पड़ रही है, ठंड के साथ साथ प्रदूषण की भी मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया, दिल्ली। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।